दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी करती है। घर में नई बहू आ जाती है, पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। उसकी माँ अपने बेटे से शादी करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, सुहागरात पर पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं। तभी जो लड़का होता है वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि सबसे पहले मेरी तुमसे एक ही बात है, और उस बात का तुम स्पेशल ख्याल रखोगी। तो वह कहते हैं कि तुम्हारा हुक्म मेरी सब आंखों पर, बताओ बात क्या है। तो वह जो लड़का होता है वह कहता है कि तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लेना, मुझसे जो भी शिकायत होगी तुम मुझसे कह सकती हो, मेरी सेवा में तुम कमी छोड़ देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरी माँ की सेवा में अगर कोई भी कमी छोड़ी, उसके साथ तुमने गलत कोई व्यवहार किया, तुम यह समझ लेना कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ, यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, उसकी यह बात सुनते ही उसकी पत्नी हंसने लगती है और कहती है कि यह भी कोई बात है, इस बात में इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली क्या जरूरत है, यह तो एक नॉर्मल सी बात है। अभी इस घर में मेरी पहली रात है, पहला दिन है, 2-4 दिन मुझे व्रत कर देखो, उसके बाद तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद कोई शिकायत का मौका मिले तो मुझे शिकायत करना। दोस्तों, उसके बाद वह लड़का कुछ नहीं बोलता है, दोनों अपने वैवाहिक संबंधों में मशगूल हो जाते हैं। सुबह करीब 5:30 बज जाते हैं, उसकी पत्नी बिस्तर पर खड़ी हो जाती है और वह नहा धोकर अपने सासू माँ के पास जाती है, उससे उसके पैर को छूती है, आशीर्वाद लेती है। उसके इस संस्कार को देखकर उसकी सासू माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे कितनी संस्कारी बहू मिली है। उसकी सासू माँ उसकी इस बात से ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी बहू उसके लिए चाय लेकर आती है। मगर दोस्तों, ना तो दुल्हन के पति को इस बात का अंदाजा था और ना ही उसकी सासू माँ को कि इसके आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, धीरे धीरे लड़के की पत्नी अपनी सासू माँ का दिल जीत लेती है। पूरा दिन वह उसके पास बैठी रहती है, रात के 1-1 बजा देती है। वह जो लड़का होता है वह सोचने लगता है कि मेरी किस्मत कितनी तेज है, मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो कि मुझे इस तरह की पत्नी मिली है। मगर दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। जो जो बहू होती है वह अपनी सासू माँ की तरफ गरीबी निगाहों से देखने लगती है। उसकी सासू माँ की जब उस पर नजर पड़ती है तो वह एक दफा तो वह सोच में पड़ जाती है कि कहीं इसको ऊपर का कोई चक्कर तो नहीं हो गया है। वह अपने बेटे से बात करती है, उसका बेटा भी कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही तुमको बहम हो रहा होगा, ऐसे ही समय गुजरता है। जो लड़के की पत्नी होती है वह रात के 10-11 बजे अपनी सासू माँ के पास बैठी रहती है, जहाँ पर उसे अपने पति को समय देना चाहिए था, उसे प्यार के लिए समय निकालना चाहिए था, वह उसे दुगना समय अपनी सासू माँ के पास बैठ बिताने लगती है। उसकी जो सास होती है उसे रात को लेट हो जाने पर उसको कहती है कि तुम जाकर अपने कमरे में जाकर आराम करो बहू, समय काफी हो गया है। लेकिन वह उसके बाद भी सासू माँ के पास बैठी रहती है और कहती है कि कोई बात नहीं, चली जाऊंगी। उसका जो पति होता है वह भी यह सोचकर खुश हो जाता है कि मेरी माँ की सेवा अच्छे तरीके से कर रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दोस्तों, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो अपनी सासू माँ के करीब 10 बजे पैर दबा रही होती है और उसकी सासू माँ को पैर दबाने में कुछ असाधारण सा महसूस नहीं होता है। उसे बहुत ज्यादा अटपटा महसूस होता है, जैसे कि वह गलत नियत से उसको छूने की कोशिश कर रही है। जो उसकी सासू माँ होती है कुछ उसको अटपटा सा लगता है तो वह अपने पैरों को सिकोड़ लेती है और अपनी बहू से कहती है कि जाकर तुम अपने कमरे में सो जाओ, आराम करो। तो उसकी बहू जो होती है वह अपनी सासू माँ से कहती है कि क्या हुआ माँ जी, अगर वह कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वह अपने रूम में चली जाती है। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरने लगता है। जो लड़के की पत्नी होती है, जो उसकी सासू माँ की जो बहू होती है, वह अपनी सासू माँ के इर्द गिर्द ही रहने की कोशिश करती है। एक दिन दोपहर का समय उसकी सासू माँ बेड पर लेटी हुई होती है, जो उसकी बहू होती है वह जाकर अपनी सासू माँ के बगल में जाकर लेट जाती है। वह बहुत ज्यादा खुश होती है कि आज के जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलेगी, यह तो बिल्कुल एक बेटी की तरह मेरे पास आकर लेट गई है, कौन सी बहू ऐसी है जो सासू माँ के पास आकर लेट जाती है। मगर दोस्तों, उसके बाद जो होता है बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। उसकी जो बहू होती है अपने मोबाइल में एक आपत्तिजनक वीडियो क्लिक कर देती है और अपनी सासू माँ के सामने जब उसकी सासू माँ की नजर उसके फोन पर पड़ती है तो वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगती है और अपनी बहू से कहती है कि तुम यह पागल हो गई हो, तुम यह क्या चला रखी हो, कि तुम्हारा दिमाग सटक गया है कि। मगर दोस्तों, उसकी जो बहू होती है वह कहने लगती है कि इसमें गलत क्या है, जो भी है तुम्हारी आंखों के सामने है, आज से पहले तुम समझी नहीं कि मैं तुम्हारी इज्जत कितने दिलों से तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, जब तुम्हें एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, उसके साथ साथ वह जबरदस्ती करने लगती है, वह अपनी सास के साथ संबंध बनाने का दबाव देने लगती है। वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ सासू माँ, अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध नहीं बनाया मैं सुसाइड कर लूंगी।
और उससे पहले मैं एक लेटर लिख कर रख जाऊंगी जिसमें कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करती थी और तुम्हारे कारण मैंने सुसाइड कर लिया है, उसे बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगती है। अब दोस्तों जो उसकी सासू माँ होती वह भी परेशान हो जाती है, वह सोचने लगती है कि अपने बेटे को कैसे बताऊं, जे अगर मैं अपने बेटे को ऐसी बात बताती हूँ तो उसका घर उजड़ जाएगा, क्या करूँ तो क्या करूँ। फिर ऐसे ही दो चार दिन गुजरते हैं और उसकी बहू के जो हौसले थे और बढ़ जाते हैं। वह एक भी ऐसा मौका नहीं चूकती थी जब वह अपनी सासू माँ के साथ छेड़छाड़ नहीं करती थी, लेकिन जो उसकी सासू माँ थी उसको बर्दाश्त करती थी, उसको समझाने का प्रयास करती थी, यह सब अच्छा नहीं है, तुम्हारा पति है, तुम यह सब अपने पति के साथ करो। लेकिन दोस्तों सबकी अपनी च्वाइस होती है, अपनी मानसिकता होती है, लेकिन संबंध बनाने में अपनी सबकी स्वतंत्रता होती है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि किसके साथ यह कर रहे हो, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि तुम यह सब किसके साथ कर रहे हो, उन लोगों के साथ हमारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है। मगर दोस्तों उसकी बहू का तो अपनी सासू माँ के ऊपर दिल आ जाता है। एक दिन वह अपनी सासू माँ के साथ बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगती है, उस पर प्रेशर बनाने लगती है। वह मजबूर होकर वह अपने बेटे से यह बात शेयर करती है कि बेटा यह बात है, काफी दिनों से मैंने यह बात तुमसे छुपा कर रखी, आज मैं मजबूर होकर तुमसे यह बात बता रही हूँ, कल अगर कुछ गलत घटिया हो गया तो तुम मुझे ही दोष दोगे। दोस्तों जैसे ही उसकी माँ अपने बेटे को ऐसी बात बताती है, उसका पति जो होता है वह समझ जाता है कि मेरी पत्नी मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है, वह अपनी तरफ से कोई भी पहल क्यों नहीं कर रही है जो कि मुझे करना चाहिए, मैं खुद ही करता हूँ, वह सिर्फ मुझे खुश करने का प्रयास करती है। लेकिन यह सब सुनने के बाद वह देर नहीं लगाता है, वह सोचने लगता है कि मैं गलत रिश्ते में फंस गया हूं।